अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इस्लामिक दुनिया। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जुमा मुबारक आ गया है, बस चंद ही घड़ियां बाकी रह गई हैं। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों, दोस्तों को आज एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ और आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि इस अमल को आप लोगों ने ज़रूर कर लेना है। चार कलमात का ये अमल है, आपने इसको कभी भी भूलना नहीं, याद रखना है। जुमे के दिन ये अमल लाजमी करना है। जुमे को बहुत ही अजमत और फजीलत वाला दिन करार दिया गया है। आम दिनों में भी इसकी बहुत फजीलत है और रमज़ान मुबारक में एक तो इसके क्या ही कहने। इस दिन तमाम दिनों से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमत बंदों पर नाजिल होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। ये रब्बे कायनात का इंसान से एक लाजवाब मोहब्बत का अंदाज़ है कि अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शीश के लिए कई शुमान पैदा कर रखे हैं। जैसे अपने मुसलमान भाई को मुस्कुराकर देखना भी इबादत है, किसी नुकसान देने वाली चीज़ रास्ते से हटा देना भी नेकी है। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे नेकियां हैं जो अल्लाह ने इंसान की बख्शीश के लिए बना रखी हैं। और इन सब से बढ़कर रमज़ान मुबारक का महीना हर साल रहमत, मगफिरत, निजात की सदाएं लगाता हुआ हमारी ज़िंदगी में आता है। हर तरफ एक नूर की शमा होता है। हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ते हैं। दोस्तों, आज के इस अमल में आप लोगों को कुछ कलमात बताने जा रही हूँ जिनको आप लोगों ने ज़रूर पढ़ लेना है। और ये कलमात ऐसे कलमात हैं जो आपकी हर तरह की मुश्किल को आसान कर देंगे, आपके परेशानियों को, आपके गमों को, आपके दुखों को मिटा देंगे। और मेरे जितने भी भाई बहनें अपने घरेलू हालात की वजह से परेशान हैं, खासकर माली हालात की वजह से परेशान हैं, इंशाल्लाह उनके माली हालात इतने बेहतर हो जाएंगे कि घर में दौलत आना शुरू हो जाएगी। याद रखें, ये दुनिया की ज़िंदगी आजिज़ी ज़िंदगी है। इसके लिए हम बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपनी अगली ज़िंदगी को भूल बैठे हैं, अपनी उस ज़िंदगी को भूल बैठे हैं जो हमेशा के लिए है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो रमज़ान का महीना पा लेते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने रहमतों और नेकियों की बारिश कर दी है। तो आज मैं रमज़ानुल मुबारक के जुमे के हवाले से जो कलमात आपको बताने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से आप लोगों ने नोट फरमाना है और उसको लाजमी पढ़ लेना है। इंशाल्लाह आपके घर में दौलत आ जाएगी, रिजक आ जाएगा, माली परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो कलमात क्या हैं नोट फरमा लें कि इनको आप लोगों ने 10-10 मरतबा पढ़ना है। चार कलमात हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूं और इनको आपने 10-10 मरतबा पढ़ना है। पहले नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दूसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहु वादहु ला शरीक लहू। तीसरे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु। और चौथे नंबर पर ला इलाहा इल्लल्ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली अजीम। ये चार कलमात हैं, इनको आपने 10-10 मरतबा पढ़ना है। इस 10 मरतबा किस तरह से पढ़ना है कि जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इसको बिस्मिल्लाह से शुरू करें, पहला कलमा पढ़ें, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करें और 10 मरतबा दूसरा कलमा पढ़ो, फिर बिस्मिल्लाह से शुरू करें और फिर 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ें, उसके बाद बिस्मिल्लाह से शुरू करें और चौथे नंबर पर जो आखिर में कलमा है वो पढ़ लें। चारों कलमात हैं, इनको अलग अलग 10-10 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। अब आप उसके बाद अपने परवरदिगार से, अपने खालिक से, अपने अल्लाह से दुआ मांगो। इंशाल्लाह आपकी हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी, दौलत घर में आना शुरू हो जाएगी। इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा होगा। माह रमज़ान में इन दिनों में आप लोग ये दुआ ज़रूर पढ़ते रहा करें, चलते फिरते जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, चलते फिरते उसे पढ़ते रहा करें। जुम्मे के दिन जितना हो सके इस दुआ को पढ़ते रहें और अपने घर वालों को
भी बताएं, अपने बीवी बच्चों को भी बताएं, ताकि आपके घर में अल्लाह पाक की रहमतें बरसना शुरू हो जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।